दूसरा सर उसमें मेरे को फंसाया क्या, तेरा नाम है ना उसमें, ऐसे थोड़ा ना फंसाया तेरे कोई सर उसमें सरकार बनाम। फिर तू कब से कर रहा है ये काम ही बता दो सर। मैं इसी बार लिया सर मैंने, सीजन सूजा भी था तो सर शादी के लिए थोड़ा वो वीडियो तो बनाई होगी आपने, वीडियो बना रखी आ गए सर वही चीज़। उत्तरकाशी मुख्यालय में अंग्रेजी शराब की दुकान अभी भी बंद है, उसके बावजूद अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। जनपद में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हेतु एसपी अर्पण यदुवंशी द्वारा उप जिलाधिकारी भटवाड़ी छतर सिंह चौहान एवं पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी अनुज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। एसपी ने बताया कि रात के समय मनेरी क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर में स्थित होटल जयश्री काशी विश्वनाथ में छापेमारी की गई तो होटल से करीब 23 पेटी अवैध अंग्रेज शराब व 10 पेटी बियर बरामद की गई। होटल मालिक के खिलाफ कोतवाली मनेरी पर सिस्टी आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीकृत कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें उक्त व्यक्ति पर थाना मनेरी में पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा स्टार्ट हो गई है, और जैसा कि सरकार शासन प्रशासन सभी की ये मंशा है कि जो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो अवैध शराब मांस इन सब की दुकानों पे का थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। कुछ टाइम से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई और इसमें इसी स्पेशल टीम ने कल रात में 9 बजे होटल श्री काशी विश्वनाथ है जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है वहाँ पे है, वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसने इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इसका हमने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो इस पता चला कि 2019 में भी इसी के खिलाफ एक आबकारी में अभियोग पंजीकृत है। तो ये जो है ये पुराना तस्कर बता रहे हैं और इसके खिलाफ जो आगे की विधिक कार्रवाई अभी गतिमान है। जो हमारा 10 दिन का जो सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे हम, मैं सभी से आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की अवैध बिक्री की गई किसी भी होटल में या कहीं स्थान पर तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।